वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर के पब्लिक स्कूल। दोस्तों, जैसे हम वीडियो फर्स्ट में दो टॉपिक को डील किए थे, मोशन और रेस्ट, आज वीडियो सेकंड है, इसमें भी हम दो टॉपिक को डील करेंगे। जो मेरा पहला टॉपिक होगा डिस्टेंस, और दूसरा टॉपिक होगा डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, हम एवरीडे लैंग्वेज में इस दोनों वर्ड का यूज हम एक ही सेंस में करते हैं, बट फिजिक्स में इस दोनों का मतलब अलग होता है। इस दोनों को डिफाइन करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर इस दोनों को एक साथ लेकर अगर हम आपको बताएंगे तो इसका डिफरेंस जो होगा ना, वो अच्छा से समझ में आएगा। तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे इसका क्लियर होगा दोनों का डिफरेंस। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं घर है, ये घर है, और ये सिनेमा हॉल है। यहाँ पे एक लड़का, मान लेते हैं यश है, यश अपने घर से हॉल आज उसको जाना है। उसके पास दो रास्ते हैं, एक है पूरा स्ट्रेट और एक है जिगजैग। उसका मित्रों का घर जिगजैग में पड़ता है। अब कोई भी लड़का सिनेमा देखने अकेले तो जाएगा नहीं, यह सोचा चलो हम मित्र को भी लेते चलते हैं। सबसे पहले वो पिंटू के यहाँ गया, आदित्य के पास गया, प्रतीश के पास गया। यश अपने घर से निकला, पिंटू के घर गया, आदित्य के घर गया, प्रतीश के घर गया, उसके बाद वो सिनेमा हॉल गया। उसके पास दो रास्ते थे, टू पाथ, एक उसके पास स्ट्रेट था, दूसरा जिगजैग था। कोई भी लड़का सिनेमा देखने अकेले नहीं जाएगा, वो अपने मित्र के साथ ही जाएगा। जो इसका डिस्टेंस था, वो टोटल डिस्टेंस था 15 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, इसका डिस्टेंस था 15 किलोमीटर और इसका डिस्टेंस था 10 किलोमीटर। अब इंपॉर्टेंट इसमें बात है, इसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर, ये लड़का सिनेमा देखने जैसे पूरा मित्र को ले गया, यहां पर आ सकता था, ऐसे जा सकता था, कहीं से भी जा सकता था। उस समय जब ये लड़का इधर से जाता या इधर से जाता तो वो डिस्टेंस होता, तो ये क्या है, डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस हुआ ये। क्योंकि ये जिगजैग है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन से लेना नहीं होता है। हम ऊपर देखेंगे तब समझ में आएगा कि डायरेक्शन इसमें क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। यह है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, कोई भी स्ट्रेट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ ही होता है। अगर इसमें हम हल्का सा भी डिविएट करेंगे तो मेरा डिस्टेंस कवर करेगा। अब क्या हुआ, यश सिनेमा देख लिया, अब उसको घर आना है, उसको घर आना है। उसका घर तो इस रास्ते से नजदीक है, इस रास्ते से दूर है। उसने सोचा कि उसने अपने मित्र को बोल दिया कि तुम अपने घर इस रास्ते से जाओ, हम इस रास्ते से आएंगे। रिटर्निंग समय उसका 5 किलोमीटर का सेविंग हुआ। तो वो यस अगर हल्का सा भी डिविएट करता, मतलब पाथ स्ट्रेट से हल्का सा भी चेंज करता, तो कुछ डिस्टेंस इसमें ऐड हो जाता। तो डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही कवर किया जाता है, और इसमें डायरेक्शन स्ट्रेट रहता है, स्ट्रेट। इसमें कोई यहाँ रिस्ट्रिक्शन है,
किसको स्टेट रहना ही है डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन डिस्टेंस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किधर से भी जा सकता है, तो इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप समझ गए होंगे इस एग्जांपल से कि लड़का को जाना था सिनेमा हॉल, वो इस रास्ते को चूज किया जो 15 किलोमीटर था, और आते समय उसने स्ट्रेट पाथ को चूज किया जो 10 किलोमीटर था। स्ट्रेट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ होता है, क्या इससे भी कोई पाथ छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ सबसे छोटा होता है। अगर हल्का सा भी डिविएट करेगा तो इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं, वो डिविएट करेगा तो फिर हमको इनिशियल फाइनल उसको ज्वाइन करना होगा। अब इसका डिफिनेशन डिस्टेंस का क्या होगा? इट इज द एक्चुअल लेंथ पाथ बिटवीन टू पॉइंट। एक्चुअल लेंथ पाथ कोई दो पॉइंट के बीच, यहां से यहां, वो लड़का यहां से इधर जाता तो भी यहां से जितना डिस्टेंस कवर करता वो यहां आता, वो अमेरिका से भी होकर जाता इस सिनेमा और तो डिस्टेंस कवर करता। और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशंस टू फाइनल पोजिशंस अलोंग विद डायरेक्शन, इसको डिस्प्लेसमेंट। उसमें डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करना है डिस्प्लेसमेंट में, डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि स्ट्रेट है कोई डायरेक्शन है, आप लोगों को ये पता होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसको दोस्तों ध्यान दें, ये न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किस डायरेक्शन में अपने घर को आ रहा है, तो वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो 10 किलोमीटर वेस्ट, हमको यहाँ टुवर्ड वेस्ट लिखना होगा। अब हम डिफिनेशन पे आते हैं, इसको इरेज करते हैं। डिस्टेंस, इट इज एक्चुअल लेंथ पाथ, इट इज एक्चुअल लेंथ पाथ बिटवीन टू पॉइंट। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद सिनेमा हॉल तक वो लड़का पहुंचा था, पूरा डिस्टेंस था कितना 15 किलोमीटर। मान लीजिए ए टू बी सी डी ई, यहाँ से यहाँ 6 होगा, 6 3 ये डिस्टेंस है, ए टू बी 6 किलोमीटर, बी टू सी 3 किलोमीटर, सी टू डी 3 किलोमीटर, डी टू ई 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। तो क्या हुआ, एक्चुअल डिस्टेंस हुआ ए से ई पॉइंट का, तो इसका डिफिनेशन हुआ इट इज एक्चुअल लेंथ पाथ बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट में होगा इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन अलोंग विथ डायरेक्शन। इट इज एक्चुअल, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशंस टू फाइनल पोजीशंस अलोंग विथ डायरेक्शन। मैंने देखा था ये घर से सिनेमा हॉल 10 किलोमीटर आते समय था, तो वेस्ट डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है,
नहीं तो अगर डायरेक्शन यूज नहीं करेंगे तो भी वो डिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए इसमें डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है। हमने दोनों का डिफिनेशन जान लिया, समझ लिया, अब हम इस दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में क्या ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट में, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट में देखे थे डायरेक्शन होता है, और इसमें सिर्फ डिस्टेंस में सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और सारा डिफरेंस है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि मान लेते हैं पॉइंट ए है, यहां से हल्का सा भी वो अगर चला तो कुछ तो डिस्टेंस, मान ले 2 किलोमीटर कवर किया, हल्का सा भी चला तो कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा ना, इसीलिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट जीरो, मान ले ए पॉइंट है बी पॉइंट है, ए से बी गया फिर बी से ए आ गया, जब इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। और एक और इसमें डिफरेंस है कि डिस्टेंस नेवर निगेटिव, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव, जब डायरेक्शन चेंज करेगा जैसे ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और वेस्ट की तरफ आने लगेगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। नंबर लाइन हम लोग मैथ में पढ़ते हैं तो जीरो से इधर आते थे तो हम निगेटिव का यूज करते हैं, वैसे डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है। अब हम मैथमेटिकली इसका डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये मैथमेटिकली डिफरेंस है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा, और डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। कब हो सकता है, कोई एक ही पाथ हो जैसे ए से बी जाना, अब कोई इसके लिए दूसरा पाथ नहीं है, अगर मान लें 5 किलोमीटर है, अब हमें जाना है ए से बी तो डिस्टेंस भी वही होगा डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। हाँ अगर हम इसका इधर ऐसे ऐसे जाते हैं तब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जब ऐसे गए तब तो दोनों एक ही होगा। ये सब को देखने से एक इससे एक एक वर्ड में बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ये साइन है, इक्वल टू लेस देन, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, या ऐसे भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये मैथमेटिकली डिफरेंशिएट है। धन्यवाद, आज का दोनों टॉपिक यहीं खत्म होता है।